सो गाइस, अगर आप है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, कवर सिंगर या फिर एक रैपर और आप अपने घर में अपना खुद का पर्सनल होम स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने घर में अपना खुद का ही एक बजटेड होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, जिसमें कि होंगे बेस्ट ब्रांडेड इक्विपमेंट्स जो देंगे आपको बेस्ट ऑडियो आउटपुट, और वो भी सिर्फ 16,000 के बजट के अंदर। इट्स योर बॉय सुल्तान एंड यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो गाइज, लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन अ बेसिक होम स्टूडियो सेटअप, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। वो वीडियो अगर आपको देखने तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से आप अपने घर में अपना खुद का एक बेसिक स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 6,000 रुपीज़ में, जो आपको बेस्ट अवेलेबल इक्विपमेंट्स के ऑप्शन देता है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें कहा कि अगर हमारा बजट थोड़ा सा बेटर हो और अगर हमें बेटर इक्विपमेंट्स चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको थोड़ा सा मिड लेवल पे आपको प्रो क्वालिटी के आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं और आपको ऑडियो क्वालिटी अपनी अपग्रेड करनी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें हम लेंगे दो डिफरेंट अप्रोचेस। पहली अप्रोच में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक ट्रेडिशनल कंडेंसर माइक और ऑडियो इंटरफेस के साथ आप अपना सेटअप कर सकते हैं होम स्टूडियो, और जो दूसरी अप्रोच होगी उसमें हम बात करेंगे यूएसबी कंडेंसर माइक की और किस तरह से वो फ्लेक्सिबल है आपको काम करने के लिए। और अगर इनकेस काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो यूएसबी कंडेंसर माइक, क्योंकि वो प्लेन प्लग इन फॉर्मेट पर चलते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो हम इन दोनों ही फॉर्मेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों के ही बेस्ट अवेलेबल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको साथ ही साथ क्या इसमें इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो गाइस, अगर आप उन आर्टिस्ट में से हैं जो कि प्रेफर करते हैं XLR केबल बेस्ड वोकल कंडेंसर माइक्रोफोन्स को, तो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इस प्राइस रेंज में, वो होगा MXL का 67G स्टूडियो कंडेंसर लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन। ये काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है और इसकी जो बेस्ट पार्ट है वो है इसकी डिटेलिंग, जिस तरह से ये आपकी वोकल्स को और आपके इंस्ट्रूमेंट की साउंड को कैप्चर करता है, उसे एनालाइज करता है, और जिस तरह से वो उसको ट्रीट करता है वो काफ़ी शानदार है। कार्डियो पैटर्न पे चलता है, जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आपके सामने से वॉइस फ्रीक्वेंसीज को या फिर डबिंग के टाइम जो आपके इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसीज है, जो साउंड फ्रीक्वेंसीज है, सिर्फ उन्हें कैप्चर करता है और आसपास की सराउंडिंग जितनी भी है उसको मिनिमाइज करता है, जो उसका साउंड होता है उसे मिनिमाइज करता है। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट माइक्रोफोन है और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी डिकेड से काम कर रहा है। कैलिफोर्निया बेस्ड ब्रांड है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है US में, चाइना में, जापान में, कोरिया में और रशिया में। इनका हेड क्वार्टर जो है, जो इनका हेड ऑफिस है जहाँ पर ये डिज़ाइन होते हैं, वो कैलिफोर्निया में है। इसके अगर बिल्ड की बात करते हैं तो बिल्ड बहुत ही ज़्यादा रस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेटल ग्रिल बेस्ड इसकी ग्रिलिंग है जिसपे काम करता है। छूने में काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप इस पर ईजिली 8 से 10 साल, अगर आप इसका प्रॉपर टेक कर करते हैं तो ये 8 से 10 साल आपके ईजिली आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके वोकल्स और आपके इंस्ट्रूमेंट दोनों ही चीज़ें डब करने में। स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप अपने R&B वोकल डब करना चाहते हैं, तो R&B सिंगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया हुआ स्पेशलाइज्ड माइक है। ये काफ़ी अच्छा माइक आपके पास होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन में। सो गाइस, इसके साथ ही साथ आपको चाहिए होता है एक ऑडियो इंटरफेस। अब ऑडियो इंटरफेस क्या काम करता है, जो भी आप अपने वोकल माइक्रोफोन पे या फिर किसी भी कंडेंसर माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड करते हैं तो वो फॉर्मेट होता है एनालॉग का, और जिस डॉ पे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं वो लेता है डिजिटल फॉर्मेट। तो ऑडियो इंटरफेस बेसिकली कन्वर्जन का काम करता है, आपके एनालॉग रिकॉर्डिंग को डॉ पे लेकर जाने के लिए, डिजिटल पे लेकर जाने के लिए उसे कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, और वो काम करता है आपका ऑडियो इंटरफेस। साथ ही साथ ये इनेबल्ड होता है विद फैंटम पावर, जो आपको सप्लाई करता है 48 वोल्ट की फैंटम पावर, जिससे आपकी माइक्रोफोन की जो कैपेसिटीज़ होती है, जो कैपेबिलिटीज़ होती है आपकी वोकल्स को रिकॉर्ड करने की, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव और हो जाती है। तो आपको इसलिए चाहिए होता है ऑडियो इंटरफेस। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ बेहरिंगर का ऑडियो इंटरफेस, काफ़ी रिजनेबली प्राइस्ड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, अगेन जर्मन ब्रांड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछले 25-30 सालों से ये ब्रांड काम कर रहा है और वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स होते हैं इस ब्रांड के, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपके, आराम से ये भी आपके 7-8 साल निकाल सकता है अगर आप इसे केयरफुली, अगर आप इसे यूज़ करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। तो अगेन ये दोनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको चाहिए होता है एक पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर आपको इसलिए चाहिए होता है कि जो आपकी फॉ और शॉ की जो भी थ्रू आपके आते हैं वोकल को रिकॉर्ड करते हो तो उसे फिल्टर कर देता है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा इसमें एक माइक स्टैंड, जो कि आपके माइक को स्टेबिलिटी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज़,
सो गाइज ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके स्टूडियो को सेटअप करने में और इन इक्विपमेंट्स के थ्रू, क्योंकि मेजरली जो भी हमने इक्विपमेंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, और कम से कम पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी ट्रस्टेड वैल्यूड प्रोडक्ट्स है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम सारी चीज़ों का टोटल करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स का, तो टोटल आता है समवेयर क्लोज टू 15 to 16,000। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 15 से 16,000 के अंदर आप अपने होम स्टूडियो को प्रॉपरली विद ब्रांडेड इक्विपमेंट सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर यू गाइज। सो गाइज, आजकल ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि काफ़ी ट्रेवल करते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि उनका जो सिस्टम हो बहुत मिनिमलिस्टिक हो, कम कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उन लोगों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रोड का USB बेस्ड कंडेंसर माइक्रोफोन। काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है ये, और स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक सेटअप के साथ काम करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, और जो चाहते हैं कि उन्हें एक ईजी प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन मिल जाए कि सीधा माइक को लिया और अपने लैपटॉप के साथ उन्होंने अटैच किया और सीधा डॉ पे अपनी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसके अंदर ऑलरेडी कन्वर्जन्स लगे होते हैं, इसलिए आपको इसमें ऑडियो कन्वर्टर्स इंटरफेस, ऑडियो इंटरफेसेस जो होते हैं कन्वर्जन के लिए, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल के लिए, वो आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसको इजीली ले सकते हैं, माइक को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे विथ योर डबिंग एंड रिकॉर्डिंग। रोड, जैसे कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि वर्ल्ड का वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड है जो कि आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है, और ये इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाता है कि ये 5 से 10 साल की आपको वारंटी देता है अपने अलग अलग सीरीज़ के प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि इतने श्योर हैं इनके माइक, इतने स्टडी, इतने ड्यूरेबल है कि इन्हें पता है कि आपके प्रोडक्ट ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप भी USB माइक को प्रेफर करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको चाहिए होगा एक स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला, और एक पॉप फिल्टर आपकी बेटर ऑडियो डबिंग या फिर वोकल रिकॉर्डिंग क्वालिटी के लिए। तो आप ये चीज़, ये 2-3 एडिशनल एक्सेसरीज लगा के अपने माइक को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये सेटअप आपको पड़ने वाला है ऑलमोस्ट 13,000 के अंदर, क्योंकि 10,000 के आसपास का आपका ये USB कंडेंसर माइक आता है। बहुत सारे आर्टिस्ट पर्सनली मैं जानता हूँ जो कि रोड के USB कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं, जिसमें से कि एक बादशाह भाई भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने घर पे ही उनकी वोकल क्लैरिटी कितनी बेटर आती है, वो भी सेम इसी सीरीज़ के माइक्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे माइक है। तो पर्सनली मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, बट मैंने देखा है, मेरे पास भी रोड का ही माइक्रोफोन है, बट दिस इज़ XLR बेस्ड केबल बेस्ड माइक्रोफोन। इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि रोड के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं जो कभी आपको प्रॉब्लम में नहीं देने वाले। अगर आप एक बार ये प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके 10 से 15 साल आप इजीली इन प्रोडक्ट के साथ निकाल सकते हो। तो गाइस, ये दो ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके होम स्टूडियो सेटअप को बेस्ट अवेलेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ बेस्ट अवेलेबल आपको ऑडियो आउटपुट देते हैं, क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। अगर आपको इसमें एक चीज़ की, अगर आपको इसमें शायद हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इसमें ले सकते हैं अपने हेडफोन्स, सेनाइज़र के हेडफोन्स जो मैंने आपको यहाँ पर अवेलेबल किए हैं, जिसकी डिटेल्स दी है आपको। तो ये वाले हेडफोन्स अगर आप लेते हो तो ये स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स हैं। इसकी साउंड फ्रिक्वेंसीज काफ़ी अच्छी है, बैलेंस्ड आती है साउंड फ्रिक्वेंसीज, और आप एक्चुअली में अपनी रियल टाइम अपनी साउंड फ्रिक्वेंसीज को मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा भी बेटर है तो आप ले सकते हैं मैकी के स्टूडियो मॉनिटर्स आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास आपको पड़ जाते हैं। 2 स्पीकर्स का ये सेट होता है जो कि आपको 10,000 के आसपास इजीली पड़ जाता है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, अगेन इंटरनेशनल ब्रांड, और काफ़ी ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रांड है। अगर आप अपना एक होम स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 13,000 से लेकर 16,000 तक की प्राइस रेंज के मैंने आपको प्रोडक्ट्स बता दिए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट ब्रांडेड इक्विपमेंट्स हैं और वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिनोन्ड है, इनके साथ आपको कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप अगर ये प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक्स दे दूंगा इन प्रोडक्ट्स के, यू कैन गो एंड चेक दैम आउट। आप रिव्यूज़ पढ़िए, अगर आपको लगता है अमेजोन पर जो रिव्यूज़ हैं इन प्रोडक्ट्स के तो वो पढ़ें आप। अगर आपको लगता है कि रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, रेटिंग्स भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं आपके बजट में भी, तो आप डेफिनेटली जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। So guys, I think that's all for today's episode. I will see you in the next week, next episode of No Hip Hop. Till then, love and peace.